गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है, मधु चौधरी ब्लॉग में। सो शाम का टाइम हो रहा था और देखिए हम दिखा रहे कि मौसम कितना खराब हो रहा है। क्या नज़ारा आपको हम दिखाए बारिश का मौसम का। यहाँ पे बहुत बार हम बोले थे ना वीडियो में कि बारिश आने वाला है मेरे यहाँ, सो अभी हम भींग ना जाए कहीं, इसलिए हमको टेंशन हो रहा है, फिर तबीयत भी खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, यह मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह का टाइम, टाइम दिखा दिया आपको टाइम। अभी हम उठ गए थे और हम अपना काम शुरू कर दिया। मौसम फिर सुबह सुबह भी बहुत, मतलब मौसम अच्छा भी है लेकिन मान के चलो, तो हम वही अपना कपड़ा उपड़ा धो के नहा के आ गए थे, तो कपड़ा को पसार रहे थे, अपना कपड़ा को पसार करके फिर हम बोले कि चलो ब्लॉग भी शूट कर लेते, डेली तो कुछ कुछ शूट करना ही है, तो हम बोले चलो। फिर हम किचन की ओर आ गए तो हम चावल चढ़ा दिए अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था, तो हम सब कुछ सुबह में ही बना लेते हैं, मेरे को भी इजी रहता है। सुबह में बना लेने के बाद क्या वीडियो भी एडिट है, सब दिन भर होते रहते हैं। सो हम यहाँ पे चावल चढ़ा लिए, फिर फ्रिज में देख रहे कि क्या सब्जी बनाना है नहीं बनाना है, तो मेरे को अंडा देखा, मेरे हस्बैंड कल लाए थे अंडा, तो बोले थे कि कुछ बना लेना संडे को स्पेशल, तो हम बोले चलो आज संडे बना लेते कुछ। फिर हम दिखा रहे कि बारिश शुरू हो गया, उस टाइम तो मौसम खराब था, बस अब बारिश शुरू हो गया, झमझम बारिश हो रही है पूरा मेरे यहाँ, पूरा एकदम से झमाझम, इतना अच्छा लगता है। लेकिन इतना हवा चल रहा था ना कि मेरा गैस भी कंट्रोल में नहीं था, एकदम हवा से उड़ ही जा रहा था, क्योंकि मेरा खिड़की पास में ही, बालकनी के पास मेरा किचन है। सो हम यहाँ पे आ गए हैं हलवा बनाने के, हलवा बना रहे अपनी बेटी लोगों के लिए। सो अभी हलवा को बनाएंगे, क्योंकि वो लोग हलवा बहुत पसंद, मेरी आदित्य आद्या को, और हम अंडा को उबालने के लिए चढ़ा दिया और हलवा दिखा रहे कि हलवा बन रहा है मेरा। और हाँ फ्रेंड, बहुत मेहनत लगता है, वीडियो को आप लोग एकदम बिल्कुल भी देखते हैं लेकिन बहुत लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते ही नहीं, लाइक पे ध्यान ना, सब्सक्राइब करते देख के सिर्फ चले जाते वीडियो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, सुबह से उठते सोचते कितना क्या बनाना है। बस सपोर्ट करिए फ्रेंड, हमको भी अच्छा लगेगा, हम भी कुछ आशा लगा के वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहे कि बिस्कुट हम आज अपनी बेटी लोग के लिए फाड़ दिए और डब्बा में भर के रख दी, क्योंकि वो लोग उठेगी तो बोलेगी कि मम्मा बिस्किट दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए। सो अब फिर देखिए हम शुरू कर दिए हैं अपना काम, मेरा तो काम डेली का है, हाउस वाइफ को डेली ही काम करना है, एक दिन भी। और ये दिखा रहे कि एक अंडा मेरा नुकसान चला गया, पोपट हो गया, सुबह सुबह का टाइम में मेरा अंडा क्या उबला भी नहीं था, हम फट से निकाल दिया। अब देखिए हम अंडा का जो तैयारी की है रेसिपी का, वो सब दिखा रहे कि अंडा है, प्याज टमाटर मिर्चा अदरक वो सब कुछ है, और यहाँ पे अंडा करी का हम आपको अभी बस लुक दिखाएंगे, हम बनाए रेसिपी अलग से, मेरा रेसिपी प्लीज़ चेक कर लीजिए, मेरे चैनल पे रेसिपी डाला हुआ है। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग सब रिक्वेस्ट करते हैं मेरा हर वीडियो को पूरा पूरा देखा कीजिए, हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेहनत लगता है वीडियो। यहाँ पे क्लिप थोड़ा मिस हो गई, मतलब मिस क्या, क्लिप इधर आ गया थोड़ा सा एक करी का, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी देख लीजिए बस थोड़ा। यहाँ हम अपने हस्बैंड के लिए चावल और एक करी निकाल दिए, रोटी बना ही रहे हैं, मेरा टेढ़ा टूरू रोटी बनता है, क्योंकि हमको अभी रोटी बेलने नहीं आता है, क्योंकि हम अपने घर में जब थे तो मेरे को खाना पीना बनाने नहीं आता था, अपना ससुराल में आए मतलब शादी करके जब आए तो अपना खाना पीना शुरू किया बनाना, तो इसलिए वही हम दिखा रहे कि रोटी मतलब मेरा बन रहा, और उधर एक करी का मेरा मसाला बचा हुआ है, वो हम खाएंगे, वो हम खाएंगे, अपने हस्बैंड को दे दिए। सो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को पसंद आया हो तो थैंक यू।